देखो बाजार के जैसे नमक पारा कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है, खाने में तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ बाजार के जैसे नमक पारे। नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक थाली लेती हूँ। अब इसी में मैं मैदा डालूंगी। ये 2 कटोरी मैदा है, पर 2 कटोरी मैं नाप के रखी हूँ, आपको मैं दिखा दूंगी। 2 कटोरी मैं इसमें रखी हूँ मैदा नाप के। देखो मैं 1 कटोरी ले ली हूँ और 1 कटोरी जो है ये छन्नी में डाल दूंगी, और इसी में 1 कटोरी और है इसी में डाल देती हूँ, और ये भी मैं छन्नी में ही डाल दूंगी। देखो ये 2 कटोरी मैदा हो गई है, इसको मैं छान लेती हूँ। ये देखो मैं छान ली हूँ, ऐसे तो निकली कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बाजार के चीज है, छानना बहुत जरूरी रहती है। तो अब मैं ये छन्नी हटा देती हूँ। अब देखो इसमें मैं जो डालूंगी ये जमाइन है, तो 1 चम्मच ये जमाइन ली हूँ, इसको रगड़ के हाथ से इसमें डालूंगी। इसी में कलौंजी आधी चम्मच डालूंगी, ये बिल्कुल साफ सुथरा है, इसको ऐसे ही डाल दूंगी। अब इसी में मैं नमक डालूंगी, तो नमक के आधी चम्मच, 1 चम्मच, ये करने की जरूरत नहीं है, जितना आप खाते हो तो स्वाद के अनुसार। मैं ये आधी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डाल रही हूं। ये 2 कटोरी हमारे मैदा थी, तो आधी कटोरी मैं ये रिफाइंड तेल ली हूं। ये आधी चम्मच मैं काली मिर्च साबुत ली हूं, इसको मैं इमामदस्ता में कूट के इसी में डालूंगी, तो इसको मैं अभी कूट के ले आती हूं। देखो मैं काली मिर्च कूट के ले आई हूं, ये भी मैं इसी में डाल देती हूं। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी। 2 कटोरी मेरा मैदा थी और आधी कटोरी मैं रिफाइंड तेल डाली हूं, और 1 चम्मच मैं ये घी डालूंगी, ये लिए किसकी जो खास्ता होती है ना बहुत अच्छा से बनती है। ऐसे रिफाइंड के जगह पर आप पूरे घी डाल सकते हो, ज्यादा घी मैं नहीं डाली हूँ, मैं रिफाइंड डाली हूँ और 1 चम्मच मैं देसी घी डाल दी हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। देखो अब मैं इसको अच्छे से मिलाती हूँ। पहले तो मैं 1 हाथ से मिला रही हूँ, उसके बाद हम दोनों हाथ लगाऊंगी। देखो मैं अच्छे से मिला दी हूँ। अब क्या करूंगी, अब मैं ये दोनों हाथ से उठाऊंगी और इस प्रकार से मिलाऊंगी। इससे क्या होगी कि हर मैदा में हर जगह मिक्स हो जाएगी, जो घी रिफाइंड डाली हूँ ये दोनों अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार करने से जो नमक पारे बनेगी बहुत अच्छी बनेगी। नमक पारे तो कई तरह से बनती है, पर ये नमक पारा जो बनाओगे बहुत अच्छे बनती है। जैसे बाजार के लंबी लंबी खरीद के लाते हो उसी प्रकार से मैं इसको बनाऊंगी। तो इसी प्रकार मैं अभी इसको अच्छे से मिलाऊंगी 5 मिनट तक। देखो खूब अच्छे से मैं मिला दी हूँ। जैसे मैं काली मिर्च डाली हूँ, तो काली मिर्च हमारी पसंद पड़ती है क्योंकि थोड़ा तीखी तीखी लगती है ना, तो नमक पारा खाने में स्वाद लगती है। अगर आपकी पसंद है तो डालो, नहीं पसंद है तो नहीं डालो। काली मिर्च डालने से थोड़ा स्वाद बढ़ जाती है। तो मैं अच्छे से मिला दी हूँ। अब थोड़ी थोड़ी पानी डाल के मैं इसको गूथूंगी। या देखो मैं 1 गिलास में पानी ली हूँ, इसको थोड़ी सा डालूंगी, जैसे रोटी बनाते हो उसी प्रकार इसको गूथूंगी, लेकिन रोटी वाले आटे से ये थोड़ा कड़ी मैदा गूथूंगी।
देखो खूब अच्छे से मैं गूथ ली हूँ। जो रोटी मैं बनाती हूँ उससे थोड़ा सा एक करी मैं सानी हूँ। अब इसको मैं एक कटोरा में ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो एक कांच की कटोरा ली हूँ और इसी में मैं एक गूथी हुई मैदा रख देती हूँ। इसको एक प्लेट से ढक देती हूँ। ये थोड़ी देर के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जो एक गिलास में पानी ली थी तो एक गिलास में ये आधी गिलास भी नहीं खत्म हुई है, आधी गिलास से थोड़ी सी कम पानी इसमें गूथने में लगी है। देखो थोड़ी देर हो गई है, 5 मिनट के लगभग में। अब इसको मैं सारे को निकाल लेती हूँ और ये सिलप जो है मैं अच्छे से पोंछ दी हूँ। अब इस पर रख के मैं अच्छे से मिलाऊंगी। देखो खूब अच्छे से मैं मिला दी हूँ। अब इसको लोई काटूंगी। ये देखो 4 लोई हुई है। अब इसमें 3 रख देती हूँ फिर से कटोरे में और इसको ढक दूंगी। इसको साइड में रख देती हूँ। अब इसको मैं गोल करूंगी खूब अच्छे से। देखो खूब अच्छे से गोल बना दी हूँ। अब इसको मैं पतली सी बेलूंगी, जैसे रोटी बेलते हो ना, तो रोटी से थोड़ा सा पतली में बेलूंगी। देखो मैं खूब अच्छे से पतली इसको बेल ली हूँ। अब आपको नजदीक में दिखाती हूँ। देखो कितना पतली है ये रोटी से थोड़ी सी मैं पतली बेली हूँ। अब इसको मैं काटूंगी। देखो मैं एक चाकू ली हूँ, ये चाकू से पतली पतली काटूंगी। तो पहले मैं ये किनारी थोड़ी सा निकाल देती हूँ, गूथ के रखी हूँ मैदा उसी में डाल दूंगी। अब इसको पतली पतली काटूंगी। देखो मैं पूरे काट दी हूँ। ये जो कड़गी में बची है इसको मैं निकाल देती हूँ। अब इसको मैं यहाँ जो छोटी पड़ रही है यहाँ तो नहीं काटूंगी, मैं यहाँ से 2 भाग में कर दूंगी। देखो 2 भाग में मैं कर दी हूँ। अब ये जो छोटी है उसको मैं यहाँ से 2 भाग करूंगी। अब मैं एक थाली ली हूँ, ये थाली में रखूंगी। अब ये चाकू से इस तरीके से मैं निकालूंगी। चाकू से निकाल लो या छोलनी जो होती है छोलनी से भी निकल जाएगी। ये जो छोलनी है इसको भी एक प्रकार से करोगे तो निकल जाएगी। ये चिपके चिपके अभी लग रही है, जब तेल में डालूंगी तो खूब अच्छे से खिल जाएगी। ये सारा उठा के मैं ये थाली में रख देती हूँ। देखो मैं सारा ये थाली में रख ली हूँ। अब इसके ऊपर एक कपड़ा ढक दूंगी, ये सूती के कपड़ा है, इससे मैं ढक देती हूँ। जिस तरीके से ये बनाई हूँ उसी तरीके से ये सारा मैदा के काटूंगी। तो एक मैं और काट के दिखा देती हूँ। एक लोई मैं निकाल ली हूँ, फिर से मैं ढक के रख दी हूँ। अब इसको गोल कर लेती हूँ। यह देखो फिर से मैं ये गोली बना ली हूँ बढ़िया से। फिर से मैं इसको बेलूंगी उसी तरीके से। देखो फिर से मैं बेल ली हूँ उसी तरीके से, रोटी से थोड़ा सा पतला बेली हूँ। अब
अब इसको फिर उसी तरीके से काटूंगी। देखो मैं चाकू ली हूँ, ये किनारी पहले वाला काट के निकाल दूंगी और फिर से उसी तरीके से काटूंगी। देखो मैं सारे को काट ली हूँ और ये जो निकली है ये फिर से मैं मैदा जो गूंथ के रखी हूँ उसी में डाल दूंगी। फिर से वही तरीका करूंगी जैसे मैं इसको दो भाग में काटी थी, जहां छोटा है वहां नहीं काटूंगी, जहां बड़ा है दो भाग में काटूंगी। अब फिर से थाली में निकाल के रख दूंगी, यही चाकू से उठाऊंगी। ये फिर से मैं ढक दूंगी और इसी प्रकार से मैं दो जो बची है वो दोनों को भी इसी प्रकार से मैं काट लेती हूँ। देखो मैं सारा काट ली हूँ, अब मैं इसको छानूंगी। तो छानने के लिए मैं जा रही हूँ। देखो मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और गैस जला दी हूँ और कढ़ाई में मैं तेल रिफाइंड डाल दी हूँ और तेल गर्म हो गई है। अब मैं इसमें जो काट के रखी हूँ ये मैं डालूंगी। गैस को मैं मीडियम करके रखी हूँ। इसमें जितना आएगा उतना मैं डालूंगी। देखो कढ़ाई में जितना आई उतना मैं डाल दी हूँ, पर अभी इसको मैं चलाऊंगी नहीं, थोड़ी देर में ये पकेगी उसके बाद मैं इसको चलाऊंगी। देखो ये नमक पारा धीरे धीरे तेल से सारा ऊपर आ रही है। अब मैं इसको पलट पलट करूंगी। अब इसी प्रकार मैं इसको छोड़ दूंगी। गैस धीमी है, पहले तो मैं मीडियम करके रखी थी, अब गैस को मैं धीमी कर दी हूँ। देखो इसी प्रकार मैं अलट पलट करके इसको गोल्डन तक पकाऊंगी। देखो जो सारे चिपकी थी एक एक अलग हो गई है। ये लिए चिपकने से घबराने की बात नहीं होती है कि चिपक गई है, ये तेल में जाने से ये सारा अलग अलग हो जाती है। देखो कितनी सुंदर गोल्डन हो गई है। ये नमक पारे बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको निकालूंगी। मैं ये झंझरा ली हूँ, ये झंझरा से निकाल निकाल के ये छन्नी पर रखूंगी। देखो मैं सारा निकाल ली हूँ, अब इसको एक प्लेट में रख दूंगी। अब इसी प्रकार मैं जो बची है वो भी छान लूंगी। उसी तरीके से जब एक नमक पारा ऊपर आएगी फिर मैं इसको चलाऊंगी, अभी इसको मैं नहीं चलाऊंगी। देखो ये भी गोल्डन हो गई है और मेरा सारा नमक पारे बन गई है। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और ये नमक पारे में निकाल लेती हूँ फिर से। देखो ये प्लेट में नमक पारा मैं रख दी हूँ, अब मैं इसको दूसरी प्लेट में रखूंगी। तो मैं एक प्लेट ले ली हूँ, इसी में ये नमक पारा रखूंगी। देखो मैं सारा एक प्लेट में रख दी हूँ। देखो बाजार के जैसे नमक पारा, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत और बनाने में मुश्किल से 15-20 मिनट में ये नमक पारा बनके तैयार हो गई है।
ये नमक पारा एक बार बना लोगे एक महीने तक खराब नहीं होगी। अगर आप कहीं बाजार से मार्केट से कहीं से भी लाते हो नमक पारा तो वो नमक पारे में ये नमक पारे में बहुत के अंतर रहती है। अगर आप नमक पारे बनाते हो तो एक बार इस तरीके से नमक पारे बना के देखो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको बाजार के जैसे नमक पारा अच्छा लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना कमेंट जरूर से जरूर करना। अब मैं आपको एक नमक पारा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो दामने से कितनी मुलायम कितनी सॉफ्ट से टूट गई है।